हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इंटो द लाइफ में आपका स्वागत है। और आज का सवाल जुड़ा है खान पान और सेहत से। सवाल ये है कि क्या रोजाना चावल खाना सेहत के लिए सही है। मैं खुद एक राइस लवर हूँ और अक्सर ये चिंता रहती है कि आखिर कितना चावल खाना सेहत के लिए सही होता है, क्योंकि हमें मोटापे का भी ध्यान रखना है, डायबिटीज जैसी बीमारियों का भी ध्यान रखना है और भी कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बार बार डर लगता है कि आखिर चावल खाना कितना सही है। और अगर रोजाना चावल खाना है तो उसका कोई ऐसा हेल्दी तरीका भी है क्या जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब मुझे मिले एक इंस्टाग्राम की रील में। तो ये रील मुझे देखी इंस्टाग्राम हैंडल कॉन्शियस लिविंग विद शालिनी पर। शालिनी एक न्यूट्रिशनिस्ट है और अक्सर सेहत और खान पान से जुड़े वीडियोज शेयर करती रहती है। तो मुझे उनका जो वीडियो दिखा वो बहुत काम का लगा, खासतौर पर राइस लवर्स के लिए। तो मैं उन्हें पूरा क्रेडिट देते हुए वीडियो अपने इस चैनल पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले सुनिए शालिनी क्या कहती है। You don't have to quit rice either to lose weight or for your holistic health. You can enjoy rice every single day, but you just need to know how to balance these carbohydrates. One golden rule for consuming rice, balance it with other nutrients. So today on my plate, I have paneer sabzi for protein, beetroot sabzi and cucumber for the fiber, which will help me digest this carbohydrates and absorb it very well and easy. And a bowl of curds with a little bit of jaggery for the probiotic and for the sweetness that I need after lunch. What's Indian without rice? So enjoy your rice every day with no fear. Conscious living. तो देखा आपने, शालिनी बता रही है डेली डाइट में बिना टेंशन के चावल खाने का तरीका। तो अब आप हो जाइए बेफिक्र और मैं भी बिना टेंशन डेली खाऊंगी राइस, क्योंकि हमें जाननी है सही बातें, खाना है सब, बनकर समझदार और वाइस। आप देखते रहिए चैनल इंटो द लाइफ और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर ऐसा ही कोई सवाल आपके दिमाग में है जिसपे हम एक और वीडियो बना सकें, थोड़ी रिसर्च करके आपके सामने सही और अच्छी जानकारी ला सकें।